हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ट्रैवल व्लॉग। सो मेरा बहुत टाइम से मन था कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जाने का, और रिसेंटली हमारा प्लान भी बन गया। तो हमने ट्रेन बुक करी फ्रॉम दिल्ली टू उज्जैन। तो हमने डिनर नहीं करा था और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए हमने सबसे पहले एक थाली ले ली, वेज थाली। नेक्स्ट मॉर्निंग सो फाइनली वी हैव रीच्ड उज्जैन। सुबह 8:10 पर हम लोग पहुँच गए थे और होटल हमने ऑलरेडी पहले ही बुक करा लिया था मेक माई ट्रिप से। तो ये जो हमारा होटल है ये अप्रॉक्स 1.9 किलोमीटर दूर है महाकालेश्वर मंदिर से, मेन रोड पर ही है। तो चलिए सबसे पहले हम रूम टूर ले लेते हैं। नहीं थे बट स्टिल वी हैड द अभी मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं अभी महाकाल मंदिर, महाकाल कॉरिडोर हम वहाँ जा रहे हैं। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम लोग रेडी हो गए। हम लोग सोच रहे हैं कि पहले हम लोग दिन में एक बार थोड़ा महाकाल कॉरिडोर घूम लें और थोड़ा पता कर लें कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। रात में तो हमने भस्म आरती की बुकिंग कर रखी है, जो कि सुबह 4 से 6 हमें दर्शन करने होंगे, तो रात से ही हम उसकी लाइन में लग जाएंगे। बट स्टिल थोड़ा एक बार पता कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है और कितने बजे हमें लाइन लगानी पड़ेगी, जो भी सारी चीज़ें सब मंदिर भी देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं एक बार महाकाल के। तो अभी जितना हो सकेगा उतना आप लोगों को दिखाऊंगी, तो लेट्स सी कैसा रहता है। तो हम लोग निकल गए हैं, हमने ऑटो बुक करा था एंड हमारा जो प्लान है वो ये है कि पहले हम लोग महालोक कॉरिडोर घूम लेंगे एंड उसके बाद हम लोग मंदिर में जाएंगे, क्योंकि जो VIP टिकट है शीघ्र दर्शन की वो हमने बुक नहीं करी थी। तो आइडिया नहीं था कितनी भीड़ है, एक बार कॉरिडोर घूम लेते हैं उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि कैसे जाना है। ये टेम्पल 6th century AD में बिल्ट किया गया था बाय कुमार सेना, द सन ऑफ अ फॉर्मर किंग ऑफ उज्जैन चंद प्रद्योत। वैसे तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से बहुत ज़्यादा कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी जो मेरे को अभी रिसेंटली पता चली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो एक लड़के शिखर ने उनके साथ प्रार्थना करने की इच्छा करी, हालाँकि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें शहर से बाहर भेज दिया गया। वहाँ उसने दुशानन नाम राक्षस की मदद से शत्रु राजा रिपुदमन और सिंहादित्य द्वारा उज्जैन पर आक्रमण करने की साजिश सुनी। जो लड़का था शिखर वो ही भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। एक पुजारी वृद्धि ने उनकी प्रार्थना सुनी और शहर को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। इसी बीच जो राइवल किंग थे उन्होंने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। वो शहर के जीतने में लगभग सफल ही हो गए थे जब भगवान शिव अपने महाकाल रूप में आए और उन्हें बचाया। उसी दिन से भगवान शिव अपने भक्तों के आदेश पर लिंग के रूप में इस प्रसिद्ध उज्जैन मंदिर में रहते हैं। के साथ साथ रावण का भी स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो कैलाश पर्वत को उन्होंने उठाया हुआ है और उसके पीछे की पूरी स्टोरी भी एक्सप्लेन्ड है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि महाकालेश्वर मंदिर आने के लिए आपको किस तरह से क्या क्या बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहें तो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, गर्भगृह दर्शन, शीघ्र दर्शन और भस्म आरती। गर्भगृह दर्शन की जो कॉस्ट है वो है 750 पर पर्सन, शीघ्र दर्शन की कॉस्ट है 250 पर पर्सन एंड भस्म आरती की कॉस्ट है 200 पर पर्सन। तो मैंने सिर्फ भस्म आरती की बुकिंग करी थी क्योंकि हमें पता चल गया था कि अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। हमने सोचा था कि अगर भीड़ होगी तो हम शीघ्र दर्शन वाली बुकिंग कर लेंगे, बट ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम डायरेक्टली ही मंदिर में चले गए और गर्भगृह दर्शन अभी बंद है।
महाकाल मंदिर में आए हैं तो चंदन का टीका लगाना तो ज़रूरी है ही, तो इसलिए हम दोनों ने भी ये टीका लगाया। और इसके बाद हम लोग दर्शन के लिए अंदर चले गए थे, फ़ोन अलाउड नहीं है तो फ़ोन हमने बाहर सबमिट कर दिया था। अब मैं आपको दर्शन के बाद मिलती हूँ। हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है दैट फेसेस साउथ, दक्षिणामुखी। बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं दैट फेस ईस्ट। दिस इज़ बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डेथ इज़ बिलीव टू बी साउथ, और जो लॉर्ड शिवा हैं उनको सिंबलाइज किया जाता है एज मास्टर ऑफ डेथ। इनफैक्ट जो जितने भी लोग हैं वो सब महाकालेश्वर की पूजा करते हैं टू प्रिवेंट अनटाइमली डेथ, टू इन्जॉय अ लॉन्ग लाइफ। बाद रात में 12:30 बजे हम लोग लाइन में लग गए थे भस्म आरती के लिए, जो कि सुबह 4 बजे शुरू होनी थी। और उसके बाद का नज़ारा कितना अद्भुत था ये आप भी देखिए। So guys, if you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel for more such videos.